नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की। सपा संस्थापक और समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव का उनके पैतृक गांव सैफई में अंतिम संस्कार कर दिया गया। बुधवार सुबह अखिलेश यादव ने अपने पिता की अस्थियों का संचयन और पिंड दान किया है। पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा की नई टिप्पणी ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। उन्होंने एक कार्यकर्ता के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का बहिष्कार करने की अपील कर दी। इससे राजधानी का माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया। उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव इन दिनों किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके इलाज के लिए वे मंगलवार देर रात सिंगापुर पहुंची, जहां बेटी रोहिणी आचार्य ने उनका स्वागत किया। लालू यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, सांसद बेटी मीसा भारती के अलावा विधान पार्षद सुनील सिंह, सुभाष यादव भी सिंगापुर पहुंचे हैं। प्रदेश में लगातार हो रही बरसात से 18 जिलों के 1370 गांव बाढ़ग्रस्त हैं। वहीं गंगा, राप्ती, घाघरा, शारदा और रोहिणी नदी कुछ जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों में तत्काल राहत कार्य शुरू करने, बाढ़ प्रभावित जिलों में NDRF, SDRF और फ्लड PAC की पर्याप्त टीमें तैनात करने के निर्देश दिए हैं। हनुमान बेनीवाल ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा के विशेष अधिकार समिति के निर्देश के बावजूद केस 7 दिन की बजाय करीब 18 दिन में दर्ज किया गया, यह संसद का अपमान है। बारिश के कारण तारागढ़ दुर्ग के पीछे की दीवार ढह गई। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तारागढ़ दुर्ग की अनदेखी के कारण ही पहले भी कई जगह पुरानी दीवारें ढह गई। भारत के साथ साथ दुनिया भर में दिवाली के जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में अमेरिकी नेताओं ने भी आयोजनों से जुड़ी जानकारियां साझा करना शुरू कर दिया है। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक दिवाली कार्यक्रम आयोजित करेंगे। कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 16 के घर में रोजाना कंटेस्टेंट के बीच बवाल देखने को मिल रहा है। घर में रोज किसी न किसी कंटेस्टेंट का झगड़ा जरूर हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच दो कंटेस्टेंट के बीच नजदीकियां भी बढ़ रही हैं। शो में टीना दत्ता और गौतम वे करीब आ रहे हैं। मेकर्स ने बिग बॉस 16 का नया प्रोमो शेयर किया है, जिसमें साफ दिखाई दे रही है कि टीना और गौतम के बीच यह प्यार देखकर शालीन भनोट को जलन महसूस हो रही है। दुनिया में काफी दिनों से उड़ने वाली कारों को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन अब लोगों को यह सपना जल्द ही सच होने वाला है। चीन की वाहन निर्माता कंपनी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंग इंक ने उड़ने वाली कार का निर्माण किया है। पाकिस्तान द्वारा भ्रष्टाचार की एक ऐसी करतूत सामने आई जिसे सुनने के बाद अमेरिका आग बबूला हो गया। दरअसल पाकिस्तान में आए भीषण बाढ़ से बचाव के लिए अमेरिका ने राहत फंड भेजा था, लेकिन पाकिस्तानी नेताओं और अधिकारियों ने इस में भी लूट खसोट मचा दी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।